एवरीवन, इट्स मी चिश्तिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर के लिए स्पेशल चीज़। स्पेशल इसलिए हम बोल सकते हैं बिकॉज एक ही चीज़ से आपकी सारी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व आउट हो सकती है। यानी कि मतलब ये बोल सकती हूँ कि ऑल इन वन, यानी कि एक ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, होम रेमेडी DIY, जिससे आप एक ही चीज़ बनाकर अपनी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। आप पूरे एज ए बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप घर पे रहते हैं तो डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लिप बाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, अंडर आई के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन ब्लैक हो गई है, कुछ रिंकल्स आ गई हैं, या आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है स्किन पे, तो उसके लिए आप ये एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं DIY बनाने जा रही हूँ। वैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस शेयर की है आपसे, लेकिन ये जो बनाने जा रही हूँ मैं, ये होम रेमेडी है और इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, सारी चीज़ें। तो आप इसे देखिए किस तरह से है, और ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ये सभी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी स्किन और हमारी हेयर के लिए। तो अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हो तो आप हमेशा अपने पास में घर पे रखिए लाके, बिकॉज जो भी DIY बनती है वो इन चीज़ों के बगैर नहीं बन सकती, बिकॉज ये अपने हेयर और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये विंटर एज ए विंटर मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र क्रीम बोल सकते हो आप इसे, या फिर बॉडी लोशन बोल सकते हो, क्योंकि पूरे विंटर में आपके लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि वो अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ होम रेमेडीज़ की, तो आपको खुद को पता है कि बात बिल्कुल अलग ही होती है। इसके मुकाबले कोई भी चीज़ नहीं होती, बिकॉज हम लोग अपने हाथ से इसको बनाते हैं तो ये सारी ऑर्गेनिक होती है, सब नेचुरल चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और मैं और आपकी रिक्वेस्ट को भी मैं फुलफ़िल करती हूँ। आप कोई भी रिक्वेस्ट अगर बोलते हैं और वो रिक्वेस्ट जेन्युइन होती है और मुझे लगता है कि वो बनानी चाहिए, तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर देते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, जैसा कि मेरे पास है पैराशूट कोकोनट ऑयल, वैसलिन और ग्लिसरिन एंड आलमंड ऑयल एंड विटामिन ई का कैप्सूल। ये सारी चीज़ें आपको पता है सब नेचुरल है, और इसी से हम वो रेमेडी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कोकोनट ऑयल, ये मैं ले रही हूँ 2 से 3 टीस्पून ले रही हूँ मैं कोकोनट ऑयल के, बिकॉज़ ये वाला जो स्पून है ये काफ़ी छोटा है, तो इसको मैंने 3 to 4 ले लिया है। इसके बाद में हमें चाहिए वैसलिन, तो वैसलिन भी हम लेंगे कम से कम 2 to 3 स्पून। विंटर में तो आपको पता है ये अगर हमारे पास नहीं है तो हमारी विंटर निकलना तो मुश्किल ही है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये तो हमें बहुत ही ज़रूरी चाहिए। तो ये मैंने 2 स्पून ले लिया है वैसलिन। अब हम लेंगे ग्लिसरिन। ग्लिसरिन आपको पता ही है हमारी स्किन के लिए कितना हेल्दी होता है, हमारी स्किन को कितना अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, तो ग्लिसरिन भी हम इसमें 1 टीस्पून ग्लिसरिन ऐड करेंगे। और ये है आलमंड ऑयल, जो कि है रोगन बादाम शीरिन का, तो इसे मैं 1 स्पून लूंगी। तो ये हो गया, और इसके अंदर 2 विटामिन ई का कैप्सूल मैं ऐड करूंगी, 2 विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूं मैं। ये 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। बिकॉज ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी
इसे यूज़ किया और हर रेमेडी में मैं इसे यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरा तो फेवरेट है ये। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, तो ये सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है इसको, बहुत अच्छे से। तो ये हमारा विंटर लोशन रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा विंटर लोशन बना है, बिकॉज इसको लगाने के बाद में आपकी स्किन तो आपको बिल्कुल थैंक्स बोलने वाली है, बिकॉज ये जो बना है ये बहुत ही अच्छा। और हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हैं वो आप खुद देख सकते हैं, सभी नेचुरल हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन के लिए हेल्पफुल हैं। तो आज मैंने जो लोशन तैयार किया है ये बहुत बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे लास्ट विंटर में भी बनाया था और विंटर में भी मैंने इसे यूज़ किया था। तो ये वाला आप ज़रूर बनाकर रखिए, इसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी। अगर आपकी हील्स फटी हुई है तो आप वहाँ पर भी, क्रैक हील्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिप्स पर यूज़ कर सकते हैं, पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये देखिए इस तरह से ये बनाए, अब आप इसे एक कंटेनर में डाल के और स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। ये पूरा आप मतलब 1 या 2 मंथ के लिए इजीली इसको बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और आपको पूरे विंटर आप इसे यूज़ करिएगा। तो चलिए मैं आपको अब अप्लाई करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी स्किन मेरी, देखिए हैंड की स्किन भी कितनी प्यारी लग रही है, एकदम सॉफ्ट। तो आपने देखा किस तरह से मैंने इसे बनाया है और अपने हैंड पे अप्लाई भी करके मैंने आपको बता दिया है। मेरे हैंड्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने स्किन मतलब कितनी अच्छी लग रही है, एकदम ग्लो भी कर रही है। ये देखिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे और आप घर पर बनाकर एक कंटेनर में स्टोर करके इसे जरूर रखिए और ये बहुत बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा और आपको पूरे विंटर आपकी स्किन बिल्कुल भी आपको मतलब परेशान नहीं करेगी। आपकी विंटर आपकी स्किन आपको हमेशा थैंक्स थैंक्स बोलेगी, जब भी आप जितनी बार इसे यूज़ करेंगे उतनी बार आपकी स्किन आपको कहेगी थैंक यू और बिल्कुल भी आपके विंटर में आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी, ग्लोइंग। तो इसे भी बनाइएगा और वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ शेयर करिए ना यार, आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, हर जगह आप वीडियोस को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक वीडियोस पहुँचे और वो लोग भी इसका यूज़ कर पाएँ और इस फिट उठा पाएँ, है ना। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई वीडियोज़ आपको देखनी है या आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेकर आती रहूँगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।